नमस्कार। तो आज आप मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर एक अच्छी मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिली है पिछले काफ़ी दिनों से। पर लास्ट वीक में जो गिरावट हो चुकी थी उसके बाद जो है कल के दिन काफ़ी वोलेटिलिटी भी नज़र आई। पर आज देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ पे जो ऑरेंज कलर की लाइन है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वो ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ऊपर 240 लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल बन के खड़ी है। क्योंकि उस लेवल पे लास्ट वीक में और उसके पहले वीक में काफ़ी फार स्टॉक जो है 240 का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा था और वहीं से जो मोमेंटम थोड़ी सी वीक हो गई थी। न्यूज़ के तरफ भी नज़र डालोगे तो रिसेंटली कोई खास न्यूज़ नहीं है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जब 240 ब्रेक करेगा तो थोड़ी सी और तेज़ी बढ़ेगी ऊपर की तरफ जाने के लिए। तेज़ी का यहाँ पे कमज़ोर है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी देखोगे स्टॉक के अंदर तो काफ़ी कम वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण जो मोमेंटम है स्टॉक के अंदर काफ़ी वीक बनती हुई दिखाई दे रहे। बाकी रिसेंटली यहाँ पे कोई खास अपडेट या न्यूज़ नज़र नहीं आ रही है रिगार्डिंग मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक।